हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बबीता, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग बना रही हूँ मैं, और आज है बहुत ही स्पेशल डे। तो उसके मौके पे मैं अच्छे से तैयार हुई हूँ, ज़्यादा अच्छे से तो नहीं हुई हूँ, नॉर्मली हुई हूँ। और आज छोटी सी पार्टी करेंगे, और बस हम फैमिली, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। बात क्या है वो तो मेरा वीडियो में पता चल जाएगा, मैंने वीडियो बनाया है। तो अब मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, और मेरा चैनल मोनोटाइज हुआ है, तो इस खुशी में छोटी सी घर में पार्टी कर रहे हैं। और पार्टी में मतलब ये है कि माता जी के लिए प्रसाद लेकर आए हैं, केक कटिंग करेंगे, भगवान के भोग वगैरह लगाएंगे, प्रसाद का भोग लगाएंगे, और केक कटिंग करेंगे, और हस्बैंड केक लाना भूल गए, अभी केक लेकर आएंगे। और खाने का भी कोई प्रोग्राम नहीं है, क्या करेंगे पता नहीं, वो बाद में हस्बैंड क्या बोलते हैं उन पर डिपेंड है। और तो ये देखिए, यहाँ बैठे हैं हस्बैंड। हेलो फ्रेंड्स। और यहाँ मेरा बेटा है। थैंक्स, थैंक लग रही है। अब विंटर सीजन आ गया है फ्रेंड्स, तो अभी तो मतलब नॉर्मली सर्दी है, ज़्यादा तो नहीं है, नॉर्मली है, लेकिन अब धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगेगी। और अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। दिवाली का व्लॉग मैंने नहीं बनाया था, तो मैंने कुछ शेयर भी नहीं किया है। काफ़ी डेकोरेट किया था मैंने, और बहुत ही अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट की थी हमने। तो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरह से रूम को डेकोरेट किया है। ये फ्लावर्स बहुत सुंदर लग रहा है, वो उसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं पता नहीं, ये पॉट, ये कुछ इस तरह से। और दिवाली पे ये कुशन लेकर मंगवाए थे मैंने, तो बैठने में और आराम से बैठ सकते हैं और रिलैक्स मिलता है तो अच्छे से। और ये एक फ्लावर ये है, यहाँ पर मैंने रखा है। और इस तरह से मैंने दीपावली पर डेकोरेट किया था। और एक ये, काफ़ी चीज़ें तो मैंने हटा दी है, और कुछ चीज़ें मैंने अभी भी लगा कर रखी है। तो चलिए, आपको मैं अब मेरे दूसरे रूम में लेके चलती हूँ, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने शेयर नहीं की आपके साथ में, तो चलिए शेयर कर देती हूँ। लाइट ऑन है क्या मोनू रूम की? बड़ी वाली लाइट ऑन है, दरवाजा खोलो। ये तो मैं दिखाती हूँ आपको, इस रूम में मैं बहुत कम आती हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने इस रूम में ये मनी प्लांट लगाई है, और ये वहाँ से निकल गई है, तो इसको मैं लगाऊंगी अभी थोड़ी देर में। और अभी मैंने प्रेस की थी, तो ये यहाँ प्रेस रखी हुई है। ये कर्टन्स है जिसको मुझे लगाना है, तो मैंने यहाँ पे रख रखा है। और ये है मेरा बेड, दूसरा बेड। और इधर चलते हैं, तो यहाँ पे है टैडी, प्यारे प्यारे से, क्यूट क्यूट से टैडी रखे हुए हैं मेरे मोनू के, ये देखिए। और ये जो टैडी है, ये मेरी शादी में दिया था मैंने, इसको बहुत संभाल के रखा है। और ये भी मेरी शादी का ही है, जिसको मैंने बहुत ही संभाल के रखा है, और इनको मैंने वॉश करके रखा है, यहाँ पे वॉश किया मैंने इनको सबको, इसीलिए देखो कैसे चमक रहे हैं ये, इनको मैंने वॉश किया इससे भी। और ये देखो, मैं इनको दूर से दिखाती हूँ, जगह नहीं है, इधर बेड आ रहा है।
यहाँ पे मेरे कुशन रखे हुए हैं, पीछे ये पीलो है और ये छोटे छोटे टेडी और है, ये है टेडी छोटा सा प्यारा सा, और एक मैं आपको ये टॉवल सूख रहा है इधर, ये देखिए ये फ्लावर्स जिसको मैंने अभी तो यहीं पे रख दिया है, बाद में मैं सेट करूँगी। तो ये है मेरा दूसरा रूम जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है, और दीपावली पर काफ़ी डेकोरेट किया था मैंने, लेकिन अब सब हटा दिया है और बहुत ही अच्छा लुक आया था। और भी मुझे धीरे धीरे सब मैं घर को डेकोरेट करूँगी, तो और भी अच्छे अच्छे आपको देखने को मिलेगा। और मैं दीपावली पर अपने लिए चूड़ी लेकर आई थी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए हमारी माता जी का भी दर्शन करवा देती हूँ मैं आपको, पर हस्बैंड खड़े हैं क्योंकि अभी ये पूजा करेंगे, पूजा का टाइम है तो पूजा करेंगे। और ये है हमारी माता रानी, दर्शन कर लीजिए आप भी। और अभी लाइट्स तो लगी हुई है, और हाँ हॉल में मैंने इस तरह से ये डेकोरेट किया था, तो काफ़ी चीज़ें तो मैंने हटा दी है और कुछ अभी लगी हुई है, तो मैंने सोचा अभी लगे रहने देते हैं इस तरह से। इधर लाइट्स लगी है, माता जी की लाइट्स ऑन कर रखी है। फ्रेंड्स मुझे व्लॉगिंग करने में, मतलब व्लॉगिंग कर रही हूँ ना आज, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी महीनों के बाद ही मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। और इधर मेरी किचन में सारा सामान पड़ा है, बर्तन वर्तन क्लीन किए थे वो सब रखे हुए हैं, उनको मुझे अभी क्लीन करना है पूरी, मतलब क्लीन तो कर दिए, सेट करना है और सब चीज़ों को जगह पे करना है, और फिर आगे की प्रोसेस करेंगे जो आपके साथ में शेयर करेंगे। और ये देख लो पापा को, बेटे को मस्ती करते हुए। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और एक चीज़, हाँ एक चीज़ और शेयर करना है ना, आप क्या क्या लेकर आए हो आज स्पेशल? मिठाइयाँ लेकर आए हैं हस्बैंड, बताओ क्या मिठाई लेके आए? हाँ खोल के वैसे दिखा दो ना। तो ये मिठाइयाँ हैं पूरी, ये क्या चीज़ है? ये मिठाई लेकर आए हैं, और सब हमारी बिल्डिंग है सबको ना, मतलब मिठाई देंगे सबको, उनके लिए लेकर आए हैं ये। और एक ये है आराम से, ये है लड्डू, वो चॉकलेट बर्फी और पेड़े थे, पेड़े और चॉकलेट बर्फी थे ना इसमें, आप बोलकर बताओ तो। हाँ फ्रेंड्स, हाँ तो ये तो दे, ये तो पता चल गया। देखिए लड्डू, ये भी माता रानी के प्रसाद चढ़ाएंगे फिर सभी को। हाँ सही से बंद करो। और इसमें देखिए ये फ्रेंड चॉकलेट बर्फी, और ये है पेड़े चॉकलेट बर्फी पेड़े। ओके आगे बताओ उनमें क्या है? सभी को देने के लिए ये है, और ये है प्रसाद जो मिठाई जो भगवान के भोग लगाएंगे माता रानी की, है ना? तो ये मैंने शेयर किया है। और ये इसमें लट्टू लेकर आए, मेरे जो बाथरूम है उसका जो लट्टू है ना वो फ्यूज हो गया, बल्ब लाइट, हाँ लट्टू बल्ब जो भी है। पहले भाई हम तो लट्टू ही बोलते थे, लट्टू के नाम से देखो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। लट्टू अब तो बारे में लट्टू जो भी है बात एक ही है, तो ट्यूबलाइट्स वगैरह पता नहीं क्या क्या आ गया है। एक मुझे इस रूम के अंदर लगानी है जो अभी मैंने आपको दिखाया है, एक बड़ी लगी हुई है इसमें, लेकिन एक और लगवा रही हूँ मैं तो लेकर आए हैं, और बल्ब और एक न बाथरूम के लिए वो फ्यूज हो गया है उसके लिए, तो मैंने शेयर किया आपके साथ। और अब मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में, आगे का भी काम करना है।
आराम से ले आओ। तो फ्रेंड्स भोग लगा रहे हैं माता जी के। यहाँ आ गया हो ना बेटा? हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैंने ये सूट पहना है और ये मैंने सिलवाया है सूट, और ये है इसकी बाजू, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज इस तरह से मैं तैयार हुई हूँ और ये कॉटन में है। मैं थान में से कपड़ा लेकर आई थी, काफ़ी सूट सिलवाए हैं मैंने, तो उसमें से ये एक दो सूट मेरे सिलकर आ गए हैं, तो आज मैंने ये पहन लिया। फ्रेंड्स जा रहे हैं हम बाहर डिनर करने, हस्बैंड लेकर जा रहे हैं। मैं काफ़ी साइकिल चलाना सीख गया। हाँ, यांशु साइकिल चलाना सीख गया है, इसको काफ़ी साइकिल आ गई और इसकी साइकिल भी आ गई है, बहुत अच्छी साइकिल है इसकी। आगे ले लेना गाड़ी को, आगे ले लो, आगे ले लो ना, ऐसे कैसे बैठेगा, यहाँ पे ढलान है। बैठ गए? डायरेक्ट आगे ही मिलेंगे, इधर थोड़ी लाइट का फोक्स आया है। देखेंगे आप कुछ नहीं बोलोगे क्या? बस गाड़ी चलाओ चुपचाप। आवाज तो आ नहीं रही है। आज जा रहे हैं बाहर डिनर पे, स्पेशल डिनर पे सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं, डिनर करेंगे। आप खुश हो गया? बहुत।
बहुत खुश हूँ मैं। हमारा चैनल बहुत टाइम बाद देर से हुआ पर मोनोराइज हो गया, बहुत खुशी की बात है। और बस आप सभी भाई बहनों का साथ भी आ सकता है, आप हमें सपोर्ट करें और चैनल पर जुड़े रहें। आगे मिलते हैं बाद में। पहुंच गए फ्रेंड्स आगे, तो अब अंदर जाते हैं और देखते हैं सीट वगैरह कौन सी मिलती है हमें। चले सीट देखते बेटा सीट कौन सी मिलती है। चेंज हो गई है इधर है, ओपन ही खाते हैं, इधर बैठ जाते हैं अपन, इधर ही बैठ जाते हैं। फिर कोई और भी आएगा मम्मा तो कोई दिक्कत नहीं, बैठेंगे अपने बैठेंगे। नहीं पसंद उधर चल, नहीं ये सही है इधर ही बैठ जाते हैं, क्या ऊंचा भी रहेगा आराम से बैठ जाएंगे। कुछ इधर ना उजाला भी है, फॉक्स भी है, आराम से अपन को दिखेगा। बैठ जाए, बैठ जाओ, पीछे करो, रुको एक मिनट, आप तो पीछे पीछे बैठो। मोनू तो उधर बैठा है क्या? मैं तेरे बगैर नहीं बैठूंगी। बैठ गए भाई, सीट तो मिल गई अच्छी सफाई है ना, धोया हो तो। हैंड वॉश नहीं किया क्या आपने? बाइक चला रही है। फ्रेंड्स पहुंच गए और मुझे ना ये देसी ठाट ढाबा है, मुझे यही पसंद है, यहीं आना पसंद है। और बहुत ही अच्छे अच्छे ना लोग आते हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। तो आज हस्बैंड ने बोला स्पेशल मौका है तो चलो बाहर ही डिनर करते हैं। और मोनू कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत, थैंक्स। काफ़ी अच्छी सफाई है, सफाई अच्छी रखते हैं और खाना भी अच्छा मिलता है यहाँ पर। मैं दो बार आ चुकी हूँ, मैंने ब्लॉग बनाए, मैं बार बार आपको यही बात बोलती हूँ यहाँ पर। और अगर आप भी आना चाहें तो आ सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है, खुली जगह है और खाना खाने का भी अच्छा वो है। घुटन जैसी जगह नहीं है, खुली खुली जगह है, इधर भी है, अंदर है, अंदर तो वो घुटन होती है, इधर ही नहीं स्पेशल। ये सामने इधर कोई बर्थडे हो या कोई स्पेशल जो बुक करवाते हैं ना, जैसे बैठ सकते हैं, हाँ बैठ सकते हैं वैसे, लेकिन जब कोई बुक करवाता है ना तो फिर स्पेशल उनके लिए होता है वो। देखो तो आप, मैं देखूँ, मैं देखूँ, कोई नहीं तो। तो फ्रेंड्स हमारा खाना आ चुका है, सामने हस्बैंड बैठे हैं, इधर ये पनीर कढ़ाई, ये दाल फ्राई जो हमने सर्व कर ली है, ये दाल फ्राई है, पनीर कढ़ाई, और ये आलू का पराठा, इधर ये सलाद, इधर ये वेज पुलाव, भिंडी की सब्जी, और ये है भिंडी दो प्याज़ा, प्याज़ा। और इधर हमारे रियांशु का भी खाना लग चुका है, खाना हमारा लग गया है और अभी आने हो रहा, आने वाला है तो मैं शेयर करूँगी।
चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ माता जी, रोटी खा लेते हैं। नींबू डाल लेना दाल में। कैसा है बेटा? अच्छा है बहुत। पिछली बार है ना आलू के पराठे में वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी था, इस बार मैंने उनको बोला है, मुझे लगता है इस बार नहीं है, कम स्पाइसी रखें, नॉर्मल है इस बार। आप ही हमारे साथ डिनर करिए फ्रेंड्स, हम तो डिनर कर रहे हैं। पराठे अच्छे हैं, पराठे पिछली बार बहुत ज़्यादा स्पाइसी थे, अब सही है, मैंने उनको बोला ना। प्याज दे दूँ? प्याज दो। फ्रेंड्स हमारा और अब हम जा रहे हैं घर पे, और घर जाके क्या करेंगे? केक कटिंग। घर जाके केक कटिंग करेंगे। खाना अब बहुत ही बढ़िया खाना था, बहुत अच्छा, मतलब मज़ा आ गया खाना खा के, इतना अच्छा खाना था। और हस्बैंड अभी बिल प्ले कर रहे हो, पेमेंट तो अभी वो आ जाए फिर बस घर के लिए रवाना हो जाएंगे। और ना ठंड हो रही है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। बताओ, बर्थडे हो कोई भी शुभ अवसर हो है ना, उस पर पार्टी करने के लिए क्या स्पेशल होता है? केक का आपका? हाँ बाय। इधर बिल्कुल खुला एरिया है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, और यहीं आना मुझे अच्छा लगता है बहुत ही, बस यहीं आना अच्छा लगता है इसलिए मैं आ जाती हूँ, वरना मैं बहुत कम ही जाना पसंद करती हूँ, बाहर खाना कम सब मिस्त्री खा के आए हो ना। आ गए क्या तेरे पापा? पता नहीं क्या कर रहे हैं, इतनी देर हो गई। बोलो आ जाओ फिर चले जल्दी। क्या कर रहे हैं? इधर आ जाओ, गाड़ी आ रही है। सेलिब्रेट आपके सामने आपके साथ, क्योंकि चैनल मोनेटाइज हुआ है तो सेलिब्रेट तो बनता ही है। बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत बड़ी, और देखिए केक के ऊपर भी लिखा हुआ है चैनल प्रमोट। केक के ऊपर भी लिखा है चैनल प्रमोट,
तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, तो सेलिब्रेट तो बनता ही है, इस मौके को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो सोचा हमने, तो हमने किया, आपके कटिंग करते हैं। मुनु आप भी साथ में, नहीं आप भी बुझाओ, आप बुझाओ। थैंक यू। सबसे पहले मेरा मोनू का, मोनू केक खाएगा। हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा फ्रेंड्स, हिम्मत बढ़ाते रहिएगा मेरी। तो हमारा यहीं पे ये सेलिब्रेशन पूर्ण होता है, और अब इस व्लॉग का एंड करते हैं, और अब मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय फ्रेंड्स।